द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, दुनिया से छुपाई गई एक ऐसी घटना जिसने इंसानियत को सहमा कर रख दिया। साल 2009 में क्रीपी पास्ता विकी नाम की वेबसाइट पर किसी बेनाम अकाउंट से इस घटना को दुनिया के सामने लाया गया और कहा गया कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया से कई सालों से छिपाया गया है। इस कहानी में एक विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है जो 1940s में सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना में से 5 अलग अलग उम्र के कैदियों पर किया था और इन 5 कैदियों को एक कमरे में 30 दिनों तक बंद कर दिया गया था। इस कमरे में खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी थी, लेकिन सोने और बैठने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। और उनसे ये कहा गया था कि इन 30 दिनों के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। अगर आप आने वाले 30 दिन बिना नींद के निकाल लेते हो तो आपको यहाँ से आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन असलियत कुछ और थी और इन 5 कैदियों को नींद ना आए इसलिए उस कमरे में ऑक्सीजन के साथ एक एक्सपेरिमेंटल गैस को छोड़ा जाता था और ये गैस एक ड्रग की तरह थी जो उन्हें किसी भी हालत में जगाए रख सके। और कैदियों की सारी हरकत पर नजर रखने के लिए 2 वन वे कांच लगाए गए थे क्योंकि उस वक्त CCTV नहीं होते थे। अब पहले 4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन से कैदियों की बेचैनी अचानक बढ़ने लग गई और 9वें दिन उनमें से एक कैदी अपना आपा खोकर 3 घंटों तक लगातार चिल्लाता रहा जिससे उसके गले के वोकल कॉर्ड्स भी फट गए। लेकिन फिर इस गैस का असर बाकी के सारे कैदियों पर भी होने लगा था जिस वजह से वो सारे कैदी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लग गए थे। लेकिन फिर भी इस एक्सपेरिमेंट को वहाँ रोका नहीं गया। रिसर्चर्स हर दिन ऑक्सीजन के साथ उस गैस की मात्रा बढ़ाते गए और एक दिन ऐसा आया जब एक कैदी ने किताबों के पन्नों को फाड़कर उसे आईनों के ऊपर चिपका दिया जिससे रिसर्चर्स अंदर का नजारा ना देख सके और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। लेकिन रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के लेवल्स को देखकर ये पता चल रहा था कि कैदी अभी भी जिंदा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन कैदियों का आवाज आना भी बंद हो गया था। बाहर बैठे रिसर्चर्स को लगा कि अब तो सारे कैदी मरने की कगार पर आ गए होंगे और यही सोचकर उन्होंने उसी वक्त उस कमरे से वो जहरीली गैस को निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया। और जब रिसर्चर्स ने उन कैदियों को बाहर आने का ऑर्डर दिया तो अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी और एक कैदी ने आवाज लगाकर कहा कि हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। ये एक चौंकाने वाली बात थी। उस गैस की वजह से कैदियों को वहाँ मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा ऐसे ही जागते रहे। वो सारे कैदी उन रिसर्चर से भीख मांगने लगे कि उस कमरे को वापस बंद कर दिया जाए और उस बंद कमरे में उस गैस को वापस छोड़ा जाए। लेकिन रिसर्चर्स उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही उस कमरे के अंदर गए तो उन्होंने पाया कि सारा का सारा खाना वैसे का वैसा ही पड़ा है और जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें भी बाद में खा सके। कुछ कैदी अपने ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे और एक कैदी अपने ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक दिखने लगी थी। ये एक चौंकाने वाला नजारा था जो किसी को भी डरा कर रख दे। पर जब उन कैदियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब वो उसी कमरे में वापस जाने की जिद करने लगे और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से इंसान आराम से बेहोश हो सकता है उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे और वो डॉक्टर से भी ये कहने लगे कि उनका ऑपरेशन होश में रहकर ही किया जाए क्योंकि उन्हें दर्द में भी मजा आने लगा था। अब जैसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते गए वैसे वैसे वो कैदी मुस्कुराते गए और इसी ऑपरेशंस के दौरान 3 कैदी मारे गए। इस एक्सपेरिमेंट के इतने खतरनाक अंजाम को देखकर रिसर्चर्स घबरा गए थे और वो इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे। लेकिन सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि वो देखना चाहते हैं कि बचे हुए 2 कैदियों को अगर वापस उस गैस में रखा जाए तो उनके साथ क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट अब एक हैवानियत का रूप ले चुका था क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पर उन 2 बचे हुए कैदियों के साथ अब 3 रिसर्चर्स को भी उसी कमरे में दाखिल कर दिया गया
और जब उन बचे हुए दो कैदियों को वापस उस रूम में ले जाने के लिए जब बेल्ट से बांधा जा रहा था तब वो काफी छटपटा रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें उसी रूम में वापस ले जाया जा रहा है तो उनका छटपटाना वहीं थम सा गया और वो वापस मुस्कुराने लगे। और ये चीज देखकर उन तीन रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर्स काफी घबरा गया और इसी डर में उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी। और उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफी भयानक और हैवानियत से भरा था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की ही एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा अपने अंदर दबाए रखते हो। और इतना ही जवाब सुनने के बाद उस रिसर्चर ने उन दोनों कैदियों को भी गोली मार दी और उसके बाद बचे अपने दोनों साथी रिसर्चर्स को भी ऐसे ही गोली मारकर मार डाला। और आखिर में इन सारी खौफनाक चीजों से परेशान होकर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली और इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े रहस्यों को वहीं दफना दिया। और कहा जाता है कि इस खतरनाक घटना के बाद इस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी तक किसी इंसान के साथ नहीं किया गया, लेकिन आज भी कई लोग इस बात को झूठ मानते हैं। आज भी कई लोग ये मानते हैं कि ये कहानी किसी राइटर के दिमाग की एक काल्पनिक बनावट है और कई लोग इसे सच भी मानते हैं, लेकिन इस बारे में उस वेबसाइट की स्टोरी के अलावा और कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा सचमुच हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो इस बात के ज्यादातर सबूत कहाँ है, ये कहानी ऐसे ही सारे सवालों से आज भी घिरी हुई है। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है ये प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके दुनिया जमाने में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।